हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। ये ऑफ कोर्स एक जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे आपको बिल्कुल उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जब भी देखे उस समय से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ फायर, वी हैव द क्वीन ऑफ फायर, वेरी इंटरेस्टिंग, मैजिशियन, what else is there, we have the world energy, nine of earth energy, nine of pentacles, wow, bottom deck energy here, the chariot, okay, collective, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है आपके लिए इज़ आप तक कुछ पहुँचने वाला है। समथिंग इज़ ऑन द जर्नी, लाइक कोई चीज़, आप इसे ऐसे देख सकते हो कि कोई चीज़ ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन से निकल चुकी है आप तक पहुँचने के लिए। कोई चीज़ ऑलरेडी ट्रांजिट में है, कोई चीज़ ऑलरेडी, जैसे अगर आप कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो जैसे वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है दैट वो चीज़ डिस्पैच हो चुकी है या वो चीज़ ट्रांजिट में है एंड आप डिलीवरी रिसीव करने वाले हो कुछ टाइम के अंदर, वैसा। बट ये कोई मटेरियल चीज़ मुझे नहीं लगता है, लाइक ये कोई प्रोडक्ट आइटम नहीं है जो आपने परचेज़ किया है ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स ने डिस्पैच किया है आपके लिए, यूनिवर्स काइंड ऑफ भेज चुके हैं आपके लिए एंड आप उसे सही टाइम पे रिसीव तो ज़रूर करेंगे, बट सही टाइम बहुत करीब है आपके। आई थिंक एक दो दिन में, इस 24 घंटे में या इस हफ्ते में, लाइक नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, इस कुछ टाइम के अंदर, लाइक फास्ट, दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, वेरी फास्ट एनर्जी जो आप तक पहुंचने के लिए बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है आप तक, डेस्टिनेशन आप हो। ओके, दिस कुड बी ब्लेसिंग, दिस कुड बी गुड न्यूज़, दिस कुड बी कॉन्टैक्ट फ्रॉम समबडी, लाइक कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपको, कोई मिलने आ रहे हैं आपसे, कोई ब्लेसिंग मिल रही है, कुछ रिसीव कर रहे हो जो काफ़ी आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, दिस कुड ऑल्सो भी मनी, पैसा रिसीव कर रहे हो, क्लाइंट्स, बिजनेस, समथिंग, सम कम्युनिकेशन, लाइक कुछ तो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको जब ही मिलेगा आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हो, आप बहुत खुश हो, या आप बहुत, लाइक आपने ये चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, या आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़, आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, या आप काइंड ऑफ इस चीज़ को लाइक अट्रैक्ट किए हो इन सम वे और द अदर। ओके, एंड ये फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये आपके करियर या मनी सिचुएशन से ज़्यादा रिलेटेड मुझे लग रहा है। पैसा, क्लाइंट, बिजनेस, गुड मार्क्स, अच्छा रिजल्ट, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया, आपको अप्रिसिएशन मिला, आपको नया बिजनेस मिला, या आपका प्रमोशन फाइनली होने वाला होगा, ऐसा कुछ न्यूज़ आपको मिले, कोई जॉब मिला, कोई कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम, कुछ इंक्रीमेंट, सम टाइप ऑफ एनर्जी जो आपको काफ़ी लाइक स्टेबल और हैप्पी बनाएगा। बट ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये कुछ और भी हो सकता है, लाइक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, इफ नॉट करियर। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी दैट नेक्स्ट 24 भी नहीं, नेक्स्ट मे बी
21 आवर्स में, ओके दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, मान लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में देर इज़ समथिंग जो आप काइंड ऑफ ऐसे देख सकते हैं अनलॉक कर रहे हो. आप इस टाइम पे इस जगह पे हो, इस हाउ डू आई एक्सप्लेन, लाइक आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट में हो, अ पर्टिकुलर कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख के चल रहे हो, एंड आई एम सीइंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आप कुछ ऐसा अचीव कर सकते हो, आपका प्रोडक्टिविटी, आपका पोटेंशियल कुछ ऐसा रीच कर सकता है दैट मे बी आप खुद ही सरप्राइज्ड हो जाओ कि मुझे भी नहीं लगा था मैं ये चीज़ कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतने कम टाइम में ये हासिल कर लूँगा. मे बी कुछ ऐसा काम जो आपको लगा था कि आप इस 24 घंटे में नहीं कर सकते, या कुछ जो आप बहुत ज़्यादा लाइक ओवर थिंक कर रहे थे, कुछ ऐसा जो आप बहुत ज़्यादा एक बर्डन आपके सर पे हो चुका था कि यू नो इस काम को कैसे करना है पता नहीं, इस 24 घंटे में ये चीज़ होने वाली है, एंड आप बहुत लाइक इरिटेटेड थे, आप बहुत लाइक मेंटली डिस्टर्ब्ड थे इस पूरे चीज़ को लेके. ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, ये कोई एग्ज़ाम हो सकता है, ये कोई लाइक कहीं पे आपको जाना है बट आपको मन नहीं है, कोई ऐसा काम करना है जो मन नहीं करता करने के लिए, कोई बहुत बड़ा बर्डन सा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो समथिंग और द अदर. सो आप बहुत प्रेशर के अंडर अपने मन को मार के कुछ करने वाले थे या आपको करना ही था, क्योंकि ये कोई ऐसा चीज़ है जो जिसे आप स्किप नहीं कर सकते, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट आप उसे काफ़ी एफर्टलेसली कंप्लीट कर रहे हो, एंड दिन के एंड में आपको लगेगा दैट मुझे भी नहीं पता मैं ये कैसे किया, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से मोटिवेशन आया, कहाँ से इतना प्रोडक्टिविटी आया, कहाँ से कब मैं इतना लाइक यू नो एक्टिव बन गया, कब मैं इतना लाइक बेटर बन गया समथिंग. सो आप काइंड ऑफ खुद भी रियलाइज नहीं करोगे, बट एक्चुअली पूरे दिन में आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो, काफ़ी सारे चीज़ें एक्शन मूवमेंट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो जो आपको भी नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, राइट. एंड जब मैं वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँ, हो सकता है ये आपके करियर से रिलेटेड, हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कोई घर का काम है, कोई अपने लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ काम आपके ऊपर सौंपा गया है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ पेंडिंग काम बाकी है, एंड आप उसे करना ही है, आप उसे लाइक इग्नोर नहीं, ऑल दैट स्टफ, राइट. सो आज आप काफ़ी प्रोडक्टिव है, एक्चुअली आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है. सो कोशिश कीजिए उस एनर्जी को मेंटेन रखने की, एंड कोई भी पेंडिंग काम, कोई भी चीज़ जो आप अपने टू डू लिस्ट में डालना चाहते हो, डोंट हेजिटेट, जस्ट गो एंड डू इट, बिकॉज आप बहुत अच्छे से निभाएंगे. ओके आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ, या तो ये आप है, या तो ये कोई पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो या डील कर रहे थे, ठीक है. बट जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, आपको ये जैसे रेजोनेट करे आप उसे ऐसे देखिएगा, आप या आपके पर्सन यहाँ पे, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस कि दोनों में से कोई वन एक पर्सन है, आप या आपके पर्सन में से, जो कुछ किए हो सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए. एंड दिस इज़ समथिंग लाइक आई एम हियरिंग यू नो जाल बिछाना टाइप ऑफ एनर्जी, बट इन अ गुड वे, ठीक है. कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा गॉसिप या इंफॉर्मेशन, अफवाहें किसी ने फैलाया है, दोनों में से किसी ने, या कोई ऐसा बात फैलाया है, कुछ ऐसा काम किया है जो जिसने ये किया है उसे पता है कि सामने वाले को अगर ये पता चला या पता लगा तो सामने वाला ज़रूर आएगा या ज़रूर आएगी. देर इज़ सम गेम्स जो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए. यहाँ पे झूठ भी बोला जा रहा है, यहाँ पे लाइक साजिशें रची जा रही है, काइंड ऑफ मैन्यूपुलेटिव टेक्निक्स इस्तेमाल हो रहे हैं सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए. अब हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये नो कॉन्टैक्ट ही होना चाहिए, हो सकता है आप लोग साथ हैं, डील कर रहे हैं इस पर्सन से, तो भी ये जो भी इंसान है, तो भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंट रिलेशनशिप में आपके साथ ये पर्सन सेम काम कर सकते हैं.
कोई ऐसा चीज़ ये आपसे कह रहे हैं, कोई ऐसा लाइक वो दिखा रहे हैं, ऐसा आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं सिचुएशन जो हो सकता है सच हो ही ना, या जो सच अगर हुआ भी तो उसके अंदर भी बहुत सारा मसाला ऐड किया हुआ है. एंड ये इसलिए कर रहे हैं टू चेंज योर माइंड. आपका दिमाग ये काइंड ऑफ थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं. आप जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हो, सोच रहे हो, फील कर रहे हो, वहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजेस लाना चाह रहे हैं, या तो ताकि आप उनसे अट्रैक्ट आप अट्रैक्टेड हो जाओ, आप ज़्यादा भाव देने लगो, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो उनके साथ, या फिर आप मे बी कुछ बार बार कह रहे हो, या आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठ गया है एंड ये बस उस चीज़ को निकालना चाहते हैं, या ये बस आपको मैनिपुलेट करके कुछ आपसे बुलवाना चाहते हैं, या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, समथिंग लाइक कुछ तो हिडन इंटेंशन है. पर मुझे ये हिडन इंटेंशन कुछ ऐसे टॉक्सिक तो नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट. बट अगर आपको लगे, आप में से कुछ लोग, दो तीन लोग हो सकते हैं जिन्हें लगे कि नो, दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक पार्टनर जिससे मैं डील कर रही हूँ या डील कर रहा हूँ, तो बात अलग है. तो दिस इज़ मे बी समथिंग जिसमें आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि इफ़ दिस इज़ समबडी जो एक टॉक्सिक पर्सन, नार्सिसिस्टिक पर्सन है जो आपको कंट्रोल करे. बट बाकी लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि ये वैसे नार्सिसिस्टिक नहीं है, बट ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को बदलना चाहते हैं आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके सोच में, आपके बिहेवियर में, या इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से वो काइंड ऑफ ये साजिशें रच रहे हैं, जिस वजह से वो आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, मे बी दूसरे लोगों से भी बुलवा रहे हैं जो पहले से प्री प्लान किया हुआ है. प्लान करके आपके सामने सिनेरियो सजाया जा रहा है. मे बी उनके दोस्त उन्हें हेल्प कर रहे हैं, मे बी आपके दोस्त एक्चुअली उनको पीठ पीछे सपोर्ट करके आपको कुछ कह रहे हैं, मे बी कलीग्स उन्हें हेल्प कर रहे, वॉट एवर इट इज़, राइट? सो दैट इज़ समथिंग जो यहाँ पर चल ज़रूर रहा है. ओके, सो लेट अस नाउ सी आपका चैनल्ड मैसेजेस एज वी ऑलवेज डू. यहाँ पर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने मन में कुछ सवाल कर सकते हैं यूनिवर्स से, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से जिनसे आपको कुछ भी मैसेज चाहिए होगा. एंड यहाँ पे मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस ड्रॉ करूँगी. हो सकता है कोई कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट करें, बिकॉज़ ये चैनल्ड मैसेजेस है. सो यहाँ पे हर किसी को ये रेजोनेट करेगा, ऐसा हो नहीं सकता. बट लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. सो अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्वेश्चंस के लिए, आप वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग. चैनल्ड मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव. अपहीवल, एनलाइटमेंट, कंफ्यूजन, सेलिब्रेशन. वाओ, बॉटम डेक एनर्जी है न्यू चैप्टर. लेट्स सी. फॉर सम ऑफ यू फर्स्ट मैसेज ये है, ये किसी पर्सन से है, ठीक है? एंड ये पर्सन आपके लाइक रोमांटिक पार्टनर, एक्स पार्टनर, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकते हैं. बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई फ्रेंड फ्रेंड है, या ये कोई पार्टनर है, लाइक रोमांटिकली कनेक्टेड पार्टनर है जो आपके साथ है या थे. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन्स एनर्जी कि ये आपके सामने ये आपके सामने
बहुत खुश बनते हैं या यहाँ पे एक्चुअली दो मैसेजेस है. वेट, आई फील ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पर्सन अगर आपके सामने खुश नहीं, अगर ये हमेशा कंप्लेन करते हैं, लाइक कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा पर्सन जिन्हें आप जानते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, यू नो, एग्ज़ाम से पहले ये पर्सन कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मुझे तो कुछ नहीं आता, आई डोंट नो एनीथिंग, मेरा क्या होगा, मुझे रोना आ रहा है, या ये पर्सन लाइक ऐसे नॉर्मली भी हमेशा ये कहते हैं कि मुझे ऑफिस में मन नहीं लगता, या मुझे फ्रेंड्स ग्रुप में मन नहीं लगता, मुझे ये नहीं. सो हमेशा ये पर्सन कंप्लेन करते हैं, कुछ ना कुछ इस पर्सन के मुंह मुंह से निकलता रहता है कि ये है वो है. बट द रियलिटी इज दिस पर्सन इज़ हैप्पी. ये पर्सन बहुत ही खुश है अपनी ज़िंदगी में. एंड ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड करते हैं, या इनका ये नेचर हो गया है कि ये दिखाना कि वो खुश नहीं है, या ये चीज़ दिखाना कि उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, या उनके मनपसंद चीज़ें नहीं हैं उनके लाइफ में. बट ये इसलिए करते हैं, या तो इस पर्सन को डर है कि अगर वो अपनी खुशी दिखा दे, अगर वो खुश रहने लगे तो मे भी लोग नज़र दे देंगे, या फिर इन्हें लगता है कि वो ऐसा दिखाएंगे तो लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे. दिस इज़ अ वेरी वियर्ड एनर्जी. इन्हें लगता है कि अगर ये ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत दुखी आत्मा है एक, तो लोग काइंड ऑफ उनसे रेजनेट कर पाएंगे, लोग आके और उन्हें कहेंगे कि हाँ, लाइक हम भी, मेरे लाइफ में भी ये परेशानी है, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊंगा, फ्रेंड बन जाऊंगी, वी आर सो लाइक रिलेटेबल, हम लोग सेम टाइप के इंसान हैं. सो ये पर्सन ऐसा करते हैं टू गेट अटेंशन, टू गेट वैलिडेशन, टू गेट फ्रेंड्स, और चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें. एंड बेसिकली वो इसे इस्तेमाल करते हैं, लाइक इस एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, क्योंकि वो उन लाइक सपोज़ ऐसे देख लीजिए कि सपोज़ आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड आपने इस पर्सन से वो चीज़ शेयर की है कि मेरे लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या ये प्रॉब्लम चल रहा है. एंड आप देखोगे दैट ये पर्सन भी घुमा फिरा के वही चीज़ आपसे कह रहे कि हाँ, मेरे लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम है, या मेरे लाइफ में भी यही चीज़ अभी ऐसे ही हो रहा है. सो मैं तुमसे तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, या पा रही हूँ. दिस इज़ हाउ इट इज़, हम लोग तो सेम जगह पर है, सेम सेम प्रॉब्लम. सो आप कुछ भी इन्हें कहने जाओ, घुमा फिरा के बात यही होती है कि इनके लाइफ में भी सेम चीज़ सेम टाइम पे ही हो रहा है. दैट इज़ हाउ यू नो कि ये कौन है. डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि ये रंग बदलते रहते हैं लोगों के सामने. आपके सामने ये बोलेंगे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई और फ्रेंड उन्हें आके कह दे कि उनका रिलेशन मस्त चल रहा है, वो भी शायद कह देंगे हाँ, मेरा भी रिलेशनशिप मस्त चल रहा है. आपको एक चीज़ बताया, दूसरे को एक और चीज़ बताया. सो डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, डोंट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद दिस पर्सन, ठीक है, बिकॉज ये कोई ऑथेंटिक फ्रेंड नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं है, एंड ये पर्सन गॉसिप करते हैं. ये अगर आपको किसी और के बारे में बोल रहे हैं, तो ये किसी और को आपके बारे में बोल रहे हैं. जस्ट रिमेंबर दैट, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन. और ये हमेशा लोग के सामने बहुत इनोसेंट बनते हैं, आई डोंट नो वाई, लाइक हमेशा इनोसेंट बनते हैं पेरेंट्स के सामने, या अपने लाइक सीनियर्स के सामने. हमेशा ये दिखाते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता, लाइक वेरी इनोसेंट, लाइक आई डोंट नो, वियर्ड. सो जस्ट यू नो बी अवेयर. कुछ लोगों के लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा है, इन द सेंस कि आपको लग रहा है कोई चीज़ इज़ कमिंग टू एन एंड. या तो ये एंडिंग है, या तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब इसे एंड करना ही होगा. मे बी ये ऑटोमेटिकली खुद से एंड नहीं हो रहा है, बट आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया है, अब मुझे ही कुछ करना होगा. ये कोई लाइक नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई मैरिज हो सकती है, ये कोई जॉब हो सकता है, समथिंग जो अभी आप और ले नहीं सकते, अभी आप और हजम नहीं कर सकते. एंड यू लाइक आई एम डन, आई एम डन. सो दिस इज समथिंग जो आप एंड कर रहे हो,
आने वाले कुछ टाइम में, एंड ये इमीडिएटली नहीं है, इस इज लाइक नेक्स्ट एक दो महीने में भी या तीन चार महीना भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट आप एंड कर रहे हो एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये एंडिंग आपके लिए आसान होगा अगर आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस एनर्जी में रहोगे, अगर आप थोड़ा सा इस एनर्जी में रहोगे कि आप रियलिटी से जुड़े हुए हो, जो भी हो रहा है उसे आप वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो जैसा कि वो है, आप उसे ज़्यादा बदलना नहीं चाहते, आप उसे अपने थॉट प्रोसेस से लाइक रियलिटी से दूर लेके नहीं जाना चाहते। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, अगर कोई चीज़ जो आपको लग रहा है कि आपके लिए सही नहीं है या आप हैंडल नहीं कर सकते, सो उसे वैसे ही देखिए जैसे कि वो है, उसे जस्टिफाई मत कीजिए कि क्या शायद मैं गलत हूँ, शायद मुझे थोड़ा सा और सहन कर लेना चाहिए, शायद इस सिचुएशन में कुछ तो अच्छाई होगा। नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा है अच्छाई, अगर आपको नहीं लग रहा है आप कर नहीं पा रहे हो, तो लेट इट गो। यू नो, चीज़ों को जस्टिफाई एक लेवल तक आप कर सकते हो, एक एक्सटेंट तक, एक हद तक कर सकते हो, बट उसके बाद फोर्सफुली किसी चीज़ को जस्टिफाई मत कीजिए। अगर लग रहा है कि कुछ नहीं है सही आपके साथ, तो इट्स ओके, वही रियलिटी है, मान लीजिए। जस्ट स्टे कनेक्टेड टू रियलिटी, ठीक है? जस्ट कोई अपना है ये इंसान जो आपको मे बी दुख दर्द दे रहा है, या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप मे बी होना चाहते थे लेकिन जब आप उस सिचुएशन में गए तो आपको लगा कि आपके लिए नहीं है। डोंट बी अफ्रेड या डोंट फील अशेम्ड टू कम आउट ऑफ इट जस्ट बिकॉज वो चीज़ आप एक टाइम पे चाह रहे थे या जस्ट बिकॉज वो चीज़ आपके बहुत करीब है। इट डजंट जस्टिफाई वॉट इज़ गोइंग ऑन। अगर रियलिटी जो है वही रियलिटी है, उसे आप लाइक जस्ट अपने इमेजिनेशन से बदल नहीं सकते। सो एक्सेप्ट वॉट इट इज़, ओके? तभी जाके आपका रास्ता आसान होगा, तभी जाके डिसीशन मेकिंग आपके लिए आसान हो जाएगा एंड आपको पता चलेगा हाउ टू डील विद द सिचुएशन। सो बेसिकली दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग थ्रू, यू नो, टुडे। वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस थे, आई नो, लाइक ये चैनल्ड मैसेजेस ज़्यादा लोगों को रेजोनेट शायद नहीं करेगा बिकॉज बहुत स्पेसिफिक था, बट आई थिंक जो लोग रेजोनेट कर पाओगे, दिस इज़ समथिंग जो आपको सुनना था, दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपको इमीडिएटली आप तक पहुँचाना चाहते थे, जो इन्फॉर्मेशन। सो आई होप दिस हेल्प्स यू, आई होप दिस रेजोनेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।